हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल PISense। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आपको आप गिर गए हैं और आपको चोट लग गई है और वो चोट दिखाई नहीं दे रही है, तब आप क्या करेंगे, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे जिससे कि वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाए। इस चोट को कहते हैं गुम चोट लगना। इसमें कई बार चोट लग जाती है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन जहाँ चोट लगी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, खिंचाव महसूस होता है और वहाँ पर स्वेलिंग भी आ जाती है, सूजन आ जाती है। अब आप क्या करेंगे, और कई बार ऐसा होता है कि मांस भी फट जाता है जब जहाँ से दो, देखिए ये दो चीज़ें होती हैं, एक तो गुम चोट लगना, दूसरा मांस फटना। जब गुम चोट लगेगी, मानिए आपको यहाँ पर गुम चोट लगी है, तो यहाँ से स्वेलिंग आ जाएगी, दबाएंगे तो दर्द होगा और बहुत ज़्यादा दिक्कत फील होगी। लेकिन अगर मांस फट गया है उस जगह से जहाँ पर लगी थी, तो वहाँ से पूरा नीला हो जाएगा और दर्द करेगा, स्वेलिंग भी आ जाएगी। तो इसलिए आप क्या करेंगे, अब मैं आपको सीधे ही उपाय बताती हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ लेनी है ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से ठीक हो जाए। देखिए, पहली चीज़ है खुरंड। खुरंड जिसकी इमेज मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, आप देख लीजिएगा, इसका नाम है खुरंड। वो लेना है आपको 50 ग्राम आपको लेनी है अमिया हल्दी, ठीक है। 50 ग्राम आपको लेना है गुड़, 50 ग्राम लेनी है आपको गुलाबी फिटकरी, 50 ग्राम लेनी है आपको सज्जी चोट। इन सारी चीज़ों को ले लेंगे। पांचों चीज़ों के नाम मैं दोबारा बता देती हूँ, आमिया हल्दी, सज्जी चोट, खुरंड, गुलाबी फिटकरी और गुड़। ये सारी चीज़ें आप ले लेंगे। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके पाउडर बना लेंगे। इन सभी चीज़ों को 50-50 ग्राम ही लेना है। ये आपकी चोट को ठीक करेंगे, साथ ही जो स्वेलिंग आई हुई है उसको भी जल्दी ही ख़त्म कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को ले लेंगे और सारे चीज़ों का पाउडर बना लेंगे मिक्सी में पीसकर, और फिर इसे छान लेंगे। इसकी छनन को हटा देंगे, जो नीचे बारीक पाउडर आया है उसको एक डब्बी में भर के रख लेंगे। अब आप क्या करेंगे, एक चम्मच आप तेल लेंगे। देखिए, जो ये सामग्री है ये आप अपनी चोट के अकॉर्डिंग लीजिएगा कि अगर आपकी चोट छोटी है तो कम बनाइएगा और चोट बड़ी है तो ज़्यादा बनाइएगा। तो मैं आपको छोटी चोट पर लगाने के लिए बता रही हूँ, आपकी चोट बड़ी है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर लें अपनी इंग्रेडिएंट्स को। देखिए, आप एक चम्मच तेल लीजिएगा, जब वो गर्म हो जाए तो उसमें एक चम्मच ही आटा डाल दीजिए, और उसमें जो मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं, अमिया हल्दी, खुरंड, सज्जी चोट और फिटकरी, इन चारों चीज़ों को मिक्स करके जो आपने पाउडर बनाया है उस पाउडर को इसमें डाल दें, अच्छे से भून लें, पानी डाल लें। मतलब कि ये एक कैसा बन जाएगा, जैसे मानिए हलवा होता है उस तरीके से बन जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि लास्ट में गुड़ जो होता है उसको अच्छे से छेद लेंगे, पीस लेंगे और वो उसमें डाल देंगे और उसे अच्छे से चला लेंगे। फिर गैस बंद करके किसी भी पेपर पे उसे निकाल लीजिए, रख लीजिए, थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने दीजिए, क्योंकि अगर इतना गर्म गर्म आप अपनी चोट पर लगाएंगे तो जल जाएगा। तो थोड़ा सा जब ठंडा हो जाए वो, तब आप क्या करेंगे कि उसे अपनी चोट पर हल्के हल्के हाथ से सिकाई करेंगे। मानिए देखिए, यहाँ जैसे चोट लगी है तो आपने पेपर पे जो अपना वो पेस्ट बनाया है उसको हल्का हल्का सा यहाँ लगाएंगे और फिर हटा लेंगे, फिर से लगाएंगे, फिर से हटा लेंगे, तो चोट की सिकाई होगी। अब जब वो बांधने के लायक हो जाए, जब वो बांधने लायक हो जाए कि आप उसको सहन कर सकते हैं, उसकी गर्माहट को सहन कर सकते हैं, तब आप यहाँ पर रखिए और उस पेपर के ऊपर एक कपड़ा और रख लीजिए और उस पर गर्म पट्टी लपेट लीजिए। तो इससे आपकी जो चोट है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी, स्वेलिंग ख़त्म हो जाएगी और आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल बहुत ही जल्दी ख़त्म होगी, बहुत जल्दी। और आपको ऐसा दिन में 3 बार करना है, सुबह, दोपहर, शाम को। शाम मतलब जिस टाइम आप सोते हैं,
ठीक है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपकी जो गुम चोट है वो बिल्कुल जल्दी ठीक हो जाएगी, स्वेलिंग खत्म हो जाएगी और आप फिर से वापस वैसे ही हो जाएंगे जैसे आप पहले थे। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना ही है आपको, क्योंकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलेंगी सबसे पहले। तो इसलिए टेक केयर।